क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर समुद्र के बीच इतने विशाल विशाल ऑयल रिग्स कैसे बनाए जाते हैं? वेल, समुद्र की गहराई काफी आश्चर्यचकित करने वाली होती है, और जिस पॉइंट पर टाइटैनिक का मलबा है उसकी गहराई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और इंसानों द्वारा खोजा गया सबसे डीपेस्ट पॉइंट 11,000 मीटर माना जाता है, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को रखा जाए, इसके बावजूद भी काफी खाली जगह यहाँ पर बच जाएगी। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतने बड़े बड़े ऑयल रिग्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कैसे किए जाते हैं? कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि पहले यहाँ पर रिग्स बना दिए जाते हैं और बाद में ओशियन से कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 500 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक की गहराई में ऐसे स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा गहरे पॉइंट्स पर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये ऑयल रिग्स तैरते रहते हैं और इनके बेस को ओशियन के फ्लोर से प्रॉपरली एंकर्ड कर दिया जाता है।